देश तभी आजाद हुआ, सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। बलिदान का सपना सच हुआ, देश तभी आजाद हुआ, आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये भारत गणतंत्र हुआ। फिर क्यों हम किसी दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि यूं नहीं हम रोज कानून का सही पालन कर इस गणराज्य का अच्छा नागरिक बनकर दिखाए। क्यों नहीं अपने राज्य को एक अच्छा गणतंत्र देश बनाए। आओ मिलकर गणतंत्र दिवस का अद्भुत पर्व मनाए। यही वजह है कि हर साल इस खास दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देश इस साल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय में जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर के हाथों झंडा फहराकर मान वंदन दी गई। इसी के साथ शहर में बड़े ही उत्साह के साथ 26 जनवरी को पूरा दिन गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो चलिए मिलकर मनाते हैं इस गणतंत्र दिवस का ये अद्भुत पर्व। दिल एक है, जान एक है हमारी, हिंदुस्तान है हमारा, यही शान है हमारी। इसके साथ ही शहर के शांतिनगर पुलिस थाने में बड़े ही उत्साह के साथ झंडा वंदन किया गया। हम आपको बता दें कि हर साल 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया है। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, BC News, नागपुर।